गाइस तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चटपटा आलू की। तो मैंने आलू को इस तरीके से कट कर दिया, तो ऑयल को हमने गर्म कर दिया था, आलू को मैंने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे तरीके से पकाना है। तो जी आलू हमारे फ्राई हो रहे हैं, तब तो यहाँ पर हमने दो अदद प्याज को कट करके और ऐड कर दिए हैं। प्याज को डाल के फ्राई कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने दो अदद या तीन टमाटर कट करके और इसमें डाल देने हैं। टमाटर ऐड कर दिए मैंने, इनको फ्राई करूँगी। तो जी अब हम मसालों की तरफ आ जाते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया, 1 टेबल स्पून हल्दी, नमक और चुटकी भर मेथी, लाल मिर्च मैंने 1/2 टीस्पून लिया था और आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने मसालों को ऐड कर दिया है। मसालों को अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो जी आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, हमने दो अदद मिर्चों को, हरी मिर्चों को कट करके और उनको भी इसमें डाल देना है। यहाँ मैं कुछ देर इनको फ्राई करूँगी और फिर हल्की आंच करके इनको दम पर रखूँगी 10 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने दम लगा दिया है और आलू हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं। तो जी हम छुरी की मदद से आलू को चेक करेंगे ताकि ये नरम हो चुके हैं या नहीं। नरम हमारे हो चुके थे, यहाँ पर हमने सर्व करने के लिए निकाल दिए थे और ऊपर से हरे धनियों को भी ऐड कर दिया था। आलू का आप चेक कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।